हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं 3 लीटर दूध से खीर। खीर बनाने के लिए हमने ये 2 कप चावल भिगो दिए थे 30 मिनट पहले। अब देखें, अच्छे से फूल चुके हैं। अब हमारा दूध गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। इसमें डाल दिए हैं, अब हम इसे चलाते हैं। ये देखिए गाइस, हमने थोड़े से चावल मिक्सी में दरदरे से पीस लिए थे, ये भी हम इसी में यूज करते हैं। अब हम इसे अच्छे से चलाते हैं ताकि इसमें लब ना आए। अब हम इसे चलाते रहेंगे और इसमें जब तक के उबाल नहीं आता। कल हम इसे धीमे धीमे आंच पे बनाएंगे। देखिए गाइस, इसमें उबाल आ चुका है, ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर बनने के लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए गाइस, हम इसे देखते हैं, 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए, कुछ हमारी खीर हल्की आंच पर बन रही थी, देखिए कितने अच्छे से बन चुकी है। देखिए गाइस, अब देखिए गाइस, हमने इसे 20 मिनट पका ली है, हल्की आंच पे बनाई है। अब देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं ये छुआरे, इसे भी अच्छे से चला देंगे। और हम इसमें डालते हैं कसावा गोला, इसे भी हम अच्छे से चला देंगे। ये डालते हैं हम चिरौंजी, ये डालते हैं हम काजू, और ये डालते हैं हम बादाम। अब देखिए गाइस, अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए और हल्की आंच पर छोड़ देते हैं। ये हम इसमें इलायची, हमने थोड़ी मोटी मोटी सी कूटी थी, हमने ये डाल दी है। दो कटोरी चीनी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मैं तो लाइट मिठाई इस्तेमाल करता हूँ। अब देखिए गाइस, जिसे अच्छे से हम चलाते हैं, थोड़ा घोल देते हैं इसको, इसका और भी अच्छा वो हो जाएगा कलर भी। अब देखें कितनी अच्छी बनी है, कितना अच्छा कलर आया है, क्योंकि मैंने इसे हल्की आंच पर डाल दी थी। और अब मैं इसे 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर और पकाऊंगी, जब तक कि चीनी घुलेगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए, इसे ट्राई करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बनाकर खा के देखना कितनी मज़े की बनती है। अब देखिएगा, इसमें खद्दा लग चुका है, हमारी चीनी भी ये पक चुकी है। अब देखिए ये ऐसी हो चुकी है, थोड़ी टाइट सी हो रही है चीनी डालने के बाद, ये सही हो गई है। अब हम इसमें, वैसे तो मैंने ये फुल क्रीम का दूध ले रखा था, लेकिन फिर भी मैं एक कटोरी मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए गाइस, ये मैंने इसमें एक कटोरी मलाई भी डाल दी है घर की। देखिए गाइस, जब ये अच्छे से कितनी अच्छी मलाई आ चुकी है और बहुत अच्छे से कड़ कड़ के बन चुकी है हमारी खीर। आइए इसमें सर्व करते हैं।
देखिए गाइस, अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं और फ्रिज में ठंडी होने के लिए रख देते हैं। मैंने 3 लीटर दूध से बनाई है, जिसके फैमिली हैं इसे 8 से 10 मेहमानों में यूज़ कर सकते हैं। देखिए गाइस, अब हम इसे कुछ केसर के दानों से सजा देते हैं। सर्दी की मौसम है और गरम गरम खीर, आप चाहे तो इसे ठंडी भी खा सकते हैं और गर्म भी खा सकते हैं। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट रखे थे और ये मैंने इससे सजा दिया। अगर गाइस आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना और इसे ट्राई करना और खाकर बताना कमेंट बॉक्स में आपको हमारी खीर की रेसिपी कैसी लगी है।